डे स्टूडेंट्स इन दिस मोड्यूल वी आर गोइंग टू डिस्कस पापुलेशन डायनेमिक्स एंड इट्स रिलेशनशिप विद फर्टिलिटी फर्टिलिटी रिफर्स टू द नंबर ऑफ लाइव बर्थस पर वूमेन डूरिंग हर रिप्रोडक्टिव ईयर्स फर्टिलिटी से मुराद ये होती है कि किसी भी खातून की उसकी जो जिंदगी के अंदर होने पैदा होने वाले बच्चों की तादाद होती है और उसके खास तौर पे उसके रिप्रोडक्टिव ईयरस के अंदर पैदा होने वाले बच्चों की जो तादाद है उसको हम फर्टिलिटी कहते हैं सो फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द फर्टिलिटी रेट्स इंक्लूड एज एट फर्स्ट मैरिज एक्सेस टू कॉन्ट्रसेप्शन एंड कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीव्स अबाउट चाइल्ड बेरिंग तो फर्टिलिटी के अंदर चूंकि मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि उस खातून की शादी जो पहली शादी है वो किस उम्र में हुई थी और फिर उस हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाता है कि उसका टोटल रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन क्या होगा फिर उसके बाद जो है एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्शन है कि क्या वो ख़ातून जो है वो कॉन्ट्रसेप्शन यूज़ करती है या करती रही है या नहीं और इसके साथ साथ जो उसके कल्चरल और रिलीजस बिलीफस होंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे की पैदाइश के हवाले से क्योंकि बहुत से माशरे ऐसे हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं और बहुत से ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनके अंदर लाइफ आइडियोलॉजीज जो कि चेंज हो चुकी हैं इस वजह से वो बच्चों की पैदाइश को इतनी अहमियत नहीं देते बल्कि वहाँ पे इंडिविजुअलाइजेशन की ज़्यादा अहमियत है इन पाकिस्तान द टोटल फर्टिलिटी रेट हैज़ डिकल्ड इन रिसेंट ईयर्स बट रिमेन्ज हाई कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ इन द रीजन पाकिस्तान के अंदर अगर हम फर्टिलिटी रेट की बात करें तो काफ़ी हद तक डिक्लाइन तो हुआ है लेकिन अभी भी हम अगर बाकी रीजन या बाकी कंट्रीज़ की नस्बत देखें तो वन ऑफ द हाइएस्ट फर्टिलिटी रेट है पाकिस्तान का इसी वजह से पाकिस्तान में जो पापुलेशन ग्रोथ है वो भी बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर पर जो रीसेंट पास्ट के अंदर पापुलेशन कंट्रोल के जितने भी मैकेनिज़म्स हैं उसके हवाले से बहुत ज़्यादा कोशिश है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कि किसी तरह से पाकिस्तान में फर्टिलिटी रेट को कम से कम किया जा सके

खास तौर पे उसके डिफरेंट जो पॉपुलेशन के ग्रुप्स हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन है बच्चों की तादाद क्या है यूथ कितनी है और उसकी एजड या डिपेंडेंट पॉपुलेशन कितनी है फिर इसी तरह से हम हमें ये देखने में भी मदद मिलती है कि फर्टिलिटी के अंदर कौन सी सेक्स है जिसके आ, जिसकी फर्टिलिटी ज़्यादा है क्या मेल जो है वो ज़्यादा तादाद में पैदा हो रहे हैं या फीमेल पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट कि जिसके हवाले से फ़र्दर जो पॉपुलेशन पॉलिसीज हैं उनके ऊपर काम किया जाता है सो बाय एनालाइजिंग द कंप्लेक्सिटी ऑफ फर्टिलिटी वी कैन गेन आ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेज इन विच सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स एंड इम्पैक्ट द पॉपुलेशन डाइनामिक्स फर्टिलिटी रेट ऑफ्टन लिंक टू वावरमेंट एंड एक्सेस टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जैसे कि हम देख रहे हैं कि मॉडर्न सोसाइटी के अंदर जो आपकी लाइफ आइडियोलॉजीज़ हैं वो तब्दील हो रही हैं ख़वा और पर्टिकुलरली ख़ीन के रवैयों के हवाले से और ख़ीन की इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस के हवाले से तो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ के अंदर जो फर्टिलिटी रेट का हाई होना था उसमें एक मेजर फैक्टर ये भी था कि औरत को जो है सिर्फ और सिर्फ ये समझा जाता था कि औरत एक बच्चा पैदा करने के लिए जो है उसके साथ शादी की जानी चाहिए लेकिन मॉडर्न सोसाइटीज़ के अंदर ये पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो चुका है और इसमें यही देख ये भी देखा जाता है कि वो औरत जो है वो प्रोफेशनली भी कंट्रीब्यूट कर सकती है जिंदगी के बाकी शोबों के अंदर भी जो है वो उसी तरह से कंट्रीब्यूट कर सकती है जैसे कि मर्द तो इस वजह से भी ये एक मेजर फैक्टर बना है दुनिया के अंदर ओवरऑल फर्टिलिटी रेट के डिक्लाइन में

उस माशरे के अंदर क्या मुकाम है इसके साथ साथ जो उसके लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्या पॉसिबिलिटीज़ मौजूद है, है। हैं क्या फैसिलिटीज़ मौजूद हैं और ख़ास तौर पर बहुत अहम चीज़ जो है वो ये है कि फैमिली प्लानिंग के हवाले से भी देखा जाता है कि क्या फैमिली प्लानिंग का फोकस जो है वाइल रिड्यूसिंग द फर्टिलिटी रेट सिर्फ और सिर्फ ख़ात के ऊपर होना चाहिए या उसमें जो है मर्दों को भी शामिल किया जाना चाहिए सो द स्टडी ऑफ फर्टिलिटी इज़ असेंशल फॉर अंडरस्टैंडिंग द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़

फर्टिलिटी को मुख्त अंदाज से इंटरप्रेट किया जाता है क्योंकि आपकी पॉपुलेशन जो है वो आपके लिए पोटेंशियल रिसोर्स भी हो सकती है और आपकी पॉपुलेशन जो है वो आपके लिए एक पोटेंशियल थ्रेट भी हो सकता है